Welcome to this class. This is seventh class social science, and our chapter is tribes, nomads and settled communities. इसी का दूसरा हिस्सा ये है. पहले समय हमने देखा कि मेडिवल इंडिया में वस्ती दौर में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल क्या थी, और फिर हमने कबीले की वजाहत की और मुख्तलिफ इलाकों में जो कबीले थे उनका जिक्र किया और ये कबीले क्या पेशा अख्तियार करते थे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई. अब एक और हेडिंग, चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड हायरार्कीज. समाज बदलता गया और नई कास्ट्स या जातें और दर्जाबंदियां क्या थी उसके बारे में हम इस लेसन में आपसे बात करेंगे. जमाने के आगे बढ़ने के साथ साथ समाज और माशरे की जरूरतें बढ़ गई. जो समाज तरक्की करता गया, नए हुनर वाले लोगों की तरबियत याफ्ता लोगों की जरूरत पड़ गई. अगर आप इस बात को अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो हम आज के दौर के मोबाइल, इंटरनेट, बाकी जो नई इजादें हुई हैं उनकी बात करेंगे. तो आज से 50 वर्ष पहले शायद ही किसी ने मोबाइल फोन या इंटरनेट का नाम सुना होगा. तो आज जब इस वक्त हमारे समाज में ये इस्तेमाल हो रही हैं, तो इनके लिए हमें नए लोगों की जरूरत पड़ती है, ताकि जो हमें रहनुमाई करें, जो हमारे मोबाइल सेट्स को ठीक करें, जो इंटरनेट का इस्तेमाल सिखाएं. इसी तरह वसी दौर में जब नई जरूरतें वजूद में आ गई, समाज के लिए नई राहें खुल गई, तो नए लोगों की जरूरत, तो ऐसे लोगों की जरूरतें पड़ गई जिनके पास नए हुनर हों. तो इससे क्या हुआ, जो ये नए लोग आ गए, नए हुनर वाले लोग आ गए, तो इनके लिए ब्राह्मणों ने स्मॉलर कास्ट्स या जिसको जाति का नाम दिया जाता है. पहले ब्राह्मणों ने चार जातें वजा की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. लेकिन जो ये नए काम थे जिनके लिए आप लोगों की जरूरत पड़ गई, तो ये उनके उस फ्रेम में जो चार जातों का फ्रेम था उसमें नहीं समेटता था. तो आप जो ये नई नए हुनर वाले लोग आ गए, इनको इन्होंने स्मॉलर कास्ट या जाति का नाम दिया. जाति दरअसल में जो हम उर्दू में जात इस्तेमाल करते हैं, चूंकि हिंदी में जा नहीं है इसलिए वहां पे इसको जाति कहा जाता था. तो ये नए हुनर वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा. हत्ता कि जो ब्राह्मण थे उनमें भी सब कास्ट्स इमर्ज होने लगे. नए जो जाते हैं वो इमर्ज होने लगे ब्राह्मणों में भी. और इसके बरक्स ट्राइबल सोसाइटीज और जो सोशल ग्रुप्स थे उनको इन जातों में शामिल किया गया. तो इससे भी जाति या जात का वजूद आ गया. जब नए ट्राइबल सोसाइटी के लोग इन्होंने इसमें ब्राह्मणों ने शामिल किए, सोशल ग्रुप्स को शामिल किया, तो इससे भी ये सब कास्ट, स्मॉलर कास्ट या जाति आ गई. अब हमारे पास सिमथिस थे, बड़े सिमथिस थे, कारपेंटर्स थे, मैसन्स थे, तो इनको भी अलग जाति के तौर पे
माना गया या इनकी शिनाख्त अलग जाति के तौर पे की गई, सिमेथिस की, कॉरपेंटर्स की, मैसनस की। तो हेनस फोर्थ जाति बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। पहले सोसाइटी में, समाज में वर्णा सिस्टम था, चार जातें थी, लेकिन अब समाज की बुनियाद जो है वो वर्णा की जगह इस जाति पे मुनहसिर थी, उसकी बुनियाद इस जाति पे थी। आप इसकी एक मिसाल लीजिए, 11वीं और 12वीं सदी में जो राजपूत थे उनकी ताकत बढ़ गई। राजपूत बिकेम पावरफुल इन 11th एंड 12th सेंचुरीज। असल में ये जो राजपूत थे, इनकी जो नस्ल है तारीख के हिसाब से, ये हुन, चंडेलास, चलोकियास और बाकी कबीलों से ताल्लुक रखते थे राजपूत। हत्ता कि इनमें भी कुछ पहले ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। फिर इन्होंने जो ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर था, खुसूसन एग्रीकल्चर इलाकों में जहां पे ज़राअत का काम होता था, वहां पे जो पुराने हुक्मरान थे, इन राजपूतों ने उनको शिकस्त देकर अपना सिक्का जमाया, अपनी हुकूमतें कायम की। तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी इधर से इमर्ज हो रही थी, तो इन राजपूतों ने अपने अपनी दौलत को, अपने पैसे को, अपनी कमाई को पावरफुल स्टेटस बनाने के लिए इस्तेमाल किया। राजपूत यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेटस। राजपूतों का हुक्मरान बनना कबीले के लोगों के लिए, ट्राइबल सोसाइटी के लिए एक काबिले तकलीद मिसाल थी, यानी इट वॉज एन इंस्पायरेशन, इट वॉज एन एग्जाम्पल टू फॉलो, टू बी फॉलोड बाय द ट्राइबल सोसाइटीज। ट्राइबल सोसाइटीज ने ब्राह्मणों की मदद से अपने आप को कास्ट बेस्ड सोसाइटी में शामिल कराया। यानी वो पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पिछले ऐसे में बताया कि जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वहां पे कास्ट बेस्ड रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते थे, लेकिन अब ट्राइबल सोसाइटीज ने ब्राह्मणों की मदद से अपने आप को इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी में शामिल करा लिया। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि वहां भी जो लीडिंग फैमिलीज थी असर-रसूख वाले लोग जो थे, अमीर तबका जो था ट्राइबल सोसाइटी में, उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में लिया गया, जबकि जो मेजॉरिटी थी, अक्सरियत थी, उनको वैसे थी जाति जो अभी हमने आप जिक्र किया, वहां पे इनको माना गया कि जो अक्सरियत थी, मेजॉरिटी थी, उनको जाति के तौर पे शिनाख्त की गई, जबकि जो लीडिंग फैमिलीज थे, असर रसूख वाले लोग थे, उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में लिया गया। हम उसी वक्त देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उस वक्त इस्लाम फैल रहा था कबीलों में, और वो कबीले थे वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे थे। इसके साथ ही हम ये जान रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इमर्जेंस ऑफ स्टेट जो थे
हुकूमतों का बनना, पावरफुल स्टेट्स का बनना, इमर्जेंस ऑफ स्टेट जो था, इससे ट्राइबल सोसाइटी में चेंजेस आने लगी। द चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी इज क्लोजली रिलेटेड विद द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स। हम आगे दो मिसालें इसके लिए लेंगे। एक तो गोंड है, द गोंड्स। पहले भी हमने इसका जिक्र किया, जो गोंड कबीला था ये आजकल के मध्य प्रदेश और जो इसके नवाही इलाके थे वहां पे ये आबाद था, और जहां ये लोग रहते थे गोंड कबीला उसको गोंडवाना कहते थे। ये गोंडवाना कबीला, इनका पेशा जो था एग्रीकल्चर था, लेकिन जिस प्रैक्टिस से ये ज़राअत का काम करते थे उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका जग्राफिया में भी ये आता है, ये टर्म आती है। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रोसेस इन विच पीपल कट डाउन ट्रीज एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन जंगल, बर्न डाउन द ट्रीज एंड स्प्रेड द ऐश इन दैट एरिया। ये जंगल के एक इलाके में दरख्त को काटते हैं, फिर उसका जो बचा खचा रहता है उसको जलाते हैं और इस राख को उस इलाके में बिछाते हैं, तो फिर वहां पे ये ज़राअत का काम करते हैं। और जो ही ज़रख़ेज़ खत्म होती है तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां भी ये इसी तरह दरख्त को काट कर फिर जंगल को साफ करके वहां पे ज़राअत का काम करते हैं। तो दिस इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। दिस गोंड ट्राइब वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल क्लैन्स। क्लैन पहले भी हमें आया, और इसको खेल कहते हैं, उर्दू लफ्ज़ के लिए खेल पहले भी हमने इस्तेमाल किया। और हर क्लैन का एक राजा या राय हुआ करता था, राजा या राय इस क्लैन का हेड हुआ करता था। हमें अकबरनामा में ये इतला मिलती है, ये खबर मिलती है कि एक क्लैन जो था वो गढ़ कटंगा था, तो देयर वर 70,000 विलेजेस इन दिस गढ़ कटंगा। जो गढ़ कटंगा गोंड कबीले का एक क्लैन के तहत इलाका था गढ़ कटंगा, उसमें अकबरनामा की इतलात के मुताबिक, तहरीर के मुताबिक वहां 70,000 विलेजेस या गांव उसमें थे। तो थोड़ा सा इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जानेंगे गोंडों के। इट वॉज ए सेंट्रलाइज्ड। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट वेयर मोर पावर्स आर यूटिलाइज्ड बाय द सेंटर। मरकज ही ज्यादा इख्तियारात ताकत का इस्तेमाल करता है, तो उसको सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। तो इनकी जो किंगडम थी गोंडवाना, जो गोंड्स की किंगडम थी, इट वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़ जो था उसमें ये मुनकसिम था। किंगडम जो थी वो मुख्तलिफ गढ़ों में मुनकसिम थी, जैसे आजकल का प्रोविंस होता है। और फिर ये जो हर एक गढ़ का एक राजा या राज हुआ करता था, जैसा कि अभी मैंने बताया। इस गढ़ को फिर 84 विलेजेस में तकसीम किया जाता था, जिसको चौरासिया कहा जाता था, किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़्स वायर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 84 कंसिस्टिंग ऑफ 84 विलेजेस ईच
एंड दिस चौरासिया इट वॉज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू बारहूट, और ये बारहूट जो होता था ये 12 गांव का होता था, इट कंसिस्टेड ऑफ 12 विलेजेस। अगेन गोंड किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़, गढ़ वर सब डिवाइडेड इंटू चौरासिया, चौरासिया कंसिस्टेड ऑफ 84 विलेजेस, एंड देन चौरासिया वॉज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू बारहूट, बारहूट कंसिस्टेड ऑफ 12 विलेजेस ईच। तो उसके बाद इनका जो गोंड का जो निजाम था विलेज कम्युनिटी का, तो विलेज कम्युनिटी वॉज कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, जो जमीन वहां की होती थी वो इन्हीं विलेज कम्युनिटी की होती थी। हमें इस जो गोंडों की जो रियासत थी, किंगडम था, ये बनने से इनके समाज में तब्दीली आई। पहले ये इक्वल लगभग था, इक्वालिटी वहां पे थी, लेकिन अब इसमें भी इनइक्वालिटी आने लगी। वो कैसे हुआ? वो यूं कि जो ब्राह्मणस थे, दे वर ग्रांटेड लैंड, ब्राह्मणस वर ग्रांटेड लैंड बाय द राजास, सो ब्राह्मणस बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। और जो वहां के राजपूत थे, जो किंग्स थे, इन गोंड कबीलों के जो राजे थे, उन्होंने अपने आप को राजपूत जात में शामिल करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया, और वहां का जो राजा था उसको अब संग्राम शाह कहा जाने लगा। और उसका पहले उसका नाम अमानदास था, और अमानदास की जगह अब ब्राह्मणों की मदद से उसका नाम संग्राम शाह रखा गया। और उसका बेटा जो था दलपत राय, उसने एक शहजादी से शादी कर ली, लेकिन दलपत का जल्द ही इंतकाल हुआ, तो उसकी जो रानी थी दुर्गावती, उसने अपने कामसेन बेटे वीर नारायण की सरपरस्ती में, मतलब उसको उसकी सरपरस्त वो बन गई। तो उसने, वो बड़ी कैपेबल थी, अच्छी हुक्मरान थी, तो उसने इस गढ़ कटंगा रियासत पे हुकूमत करनी शुरू की। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि 1565 में, 1565 में आसिफ खान जो अकबर की फौज में कमांडर था, उसने वहां पे हमला किया, और ये दुर्गावती और उसका बेटा दोनों लड़ते लड़ते मारे गए। तो ये गढ़कटगा और गोडवाना जो था, ये बड़ी अमीर रियासत थी, अमीर रियासत इस बिना पे थी कि यहां पे एलिफेंट्स को ट्रैप किया जाता था, पकड़ा जाता था, और फिर बाकी रियासतों में इनको बेचा जाता था। तो जिस वक्त मुगलों ने गढ़कटंगा पे हमला किया, तो कहते हैं कि दुर्गावती और उसके बेटे वीर नारायण की हार के बाद मुगलों के हाथों कीमती सिक्कों का एक खजाना मिल गया, और इसके अलावा हाथियों की भी उन्हें काफी तादाद मिल गई। तो मुगलों ने बाद में वहां पे वीर नारायण के एक चचा चंद्रशाह को वहां का
एक हिस्से का हुक्मरान बनाया और एक हिस्सा उन्होंने अपनी सल्तनत में मुगलों ने शामिल कर लिया। बाद में ये जो ये गोंड थे कमजोर होते गए और हम देखते हैं कि बुंदेलाज और मराठास के साथ जिस वक्त इनकी लड़ाई होती है तो ये उनके सामने हार जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो ये गोंड रियासत थी इसका अरूज कैसे हुआ और फिर इसका जवाल कैसे हुआ। उसके बाद हम एक और कबीले की बात करने जा रहे हैं जो कि अहोम कबीला है। ये अहोम जो थे ये म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वादी में आए थे। आजकल का जो आसाम का इलाका है वहां पे ये म्यांमार से आए थे। आपको शायद पिछले एक दो साल की जो डेवलपमेंट है कि म्यांमार से बहुत से रोहिंग्या बांग्लादेश और दूसरे इलाकों में आए, तो ये उसकी हमें याद ताजा जलाता है कि 11वीं और 12वीं सदी में अहोम जो थे ये म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वादी में आए थे और उन्होंने वहां पे बहुत से स्टेट्स को अपने कब्जे में लिया। 1523 में इन्होंने छुटिया की जो रियासत थी छुटियाज उनको अपने कब्जे में लिया और 1581 में हाजो कोच को जी जो कोच हाजो कोच हाजो की जो रियासत थी उसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया और बाकी कबीले भी जो थे वहां पे आसपास के उनको इन्होंने अपने कब्जे में लाकर एक बड़ी सल्तनत जो एक बड़ी रियासत जो है वो तश्कील दी। अहोम सोसाइटी या ट्राइबल सोसाइटी की जो कुछ फीचर्स थे, एक इनमें फोर्स्ड लेबर था। फोर्स्ड लेबर, व्हाट इज फोर्स्ड लेबर? फोर्स्ड लेबर में हम किसी को मजदूरी के लिए लाते हैं लेकिन उसको पैसे नहीं देते थे। तो इन्होंने सोसाइटी में क्या किया था कि इन्होंने हर एक गांव की एक मर्दमशुमारी सेंसस की थी और हर गांव को रोटेशन पे बारी बारी आदमी भेजने पड़ते थे ताकि जो रियासत का काम काज था वो बिला किसी मुआवजे के अदा करना था। हर एडल्ट को हर बालिग को वहां पे फौज में भर्ती होना पड़ता था और जिस वक्त जंग होती थी तो उस वक्त इस एडल्ट को लड़ना पड़ता, फौज के लिए फौज के तौर पे लड़ना लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ता था। इसके अलावा जो इरिगेशन वर्क्स थी, इरिगेशन वर्क्स या पब्लिक वर्क जो थी, पब्लिक वर्क जो थी वहां पे भी बिला किसी मुआवजे के इन अहोम कबीलों को वहां पे आना पड़ता था। ये जो ये अहोम कबीला था, किंगडम थी, वहां पे आलमों की कदर की जाती थी। पोइट्स और जो शायर लोग थे और जो आलिम लोग थे उनकी इज्जत अफजाई की जाती थी। थिएटर जो था इट वॉज एनकोरेज्ड, थिएटर वॉज एनकोरेज्ड और संस्कृत से जो वहां पे लिटरेचर था, किताबें थी, उनका तर्जमा या ट्रांसलेशन किया गया। वहां की जो हिस्टोरिकल वर्क्स थी, बुरंजी उनको कहा जाता है, बुरंजी हिस्टोरिकल वर्क्स, उनको पहले अहोम जबान में लिखा गया और बाद में इनका तर्जमा आसामी जबान में किया गया। एक अहम बात अहोम समाज की यह थी कि वहां की जो जमीन थी वो गांव वाले जो थे वो लोगों को अतिया करते थे और कोई भी शख्स, हत्ता कि बादशाह को भी ये हक नहीं था कि वो इस शख्स से वो जमीन वापस ले सकता था। तो इस तरह हमने देखा कि कबीलों में
स्टेट्स बनने से सोशल चेंजेस आ गए और जो ये ट्राइबल सोसाइटीज थी इनका सेटलर कम्युनिटीज के साथ जो एक इंट्रैक्शन हुआ उससे दोनों सोसाइटीज में तब्दीलियां आ गई, ट्राइबल सोसाइटी में भी तब्दीली आ गई और जो सेटलर कम्युनिटी थी उनमें भी तब्दील आ गई। तो इस तरह हमने देखा कि इस पूरे लेसन में जो सोशल चेंज थी वो मुख्तलिफ सोसाइटीज में, मुख्तलिफ समाजों में किस तरह वकू पजीर होती है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।